हेलो फ्रेंड, दिस इज ओरेकल एपेक्स ट्यूटोरियल्स बाय जॉइनहैंड। आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर लाइक शेयर और कमेंट कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये हमारी डायनेमिक एक्शन की सेकंड वीडियो है, जिसमें हम आपको हाइड और शो आइटम्स, किस तरीके से आइटम्स को हाइड और शो कर सकते हैं बेस्ड ऑन कंडीशन यूजिंग डायनेमिक एक्शन, किस तरीके से हम डायनेमिक एक्शन को यूज करके आइटम्स को हाइड और शो कर सकते हैं। सो आपका ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, बढ़ते आगे देखा था आपको एक एग्जांपल जिसमें हमने आइटम्स को हाइड करें बेस्ड ऑन कंडीशन। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि अभी आपको कोई भी आइटम यहाँ पे शो नहीं होगा। सो जैसे ही हम सिलेक्ट लिस्ट में वन करते हैं तो आपको एक आइटम आपको यहाँ पे शो होता है और सेकंड पे दो। सो हमें क्या करना है, और वन करते हैं तो इस तरीके से हमें वन शो होता है। तो हमें किस तरीके से हमने इसको किया, किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। जब भी आप कोई भी फॉर्म बनाते हैं बेस्ड ऑन, आप चाहते हैं कि मेरा, मैं कंट्री सेलेक्ट करूं तो मेरा ये वाला कॉलम दिखना चाहिए, या मैं ईमेल सेलेक्ट करूं तो मेरा ये वाला कॉलम दिखना चाहिए, मेरे जो भी आप बेस्ड ऑन योर कंडीशन आप उस तरीके से अपने आइटम्स को हाइड और शो कर सकते हैं। सो हम इसको एडिट करते हैं, अपने पेज पे आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे थ्री आइटम्स लिए सिलेक्ट लिस्ट, सबसे पहले हमने सिलेक्ट लिस्ट बनाई। सो अब आप इसमें साथ ही साथ ये भी सीख सकते हैं आइटम्स को सिलेक्ट लिस्ट में हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं सिलेक्ट लिस्ट। सो सबसे पहले आप आइटम जैसे ही आप क्रिएट करेंगे, क्रिएट पेज आइटम आपका क्रिएट हो गया, कि हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपनी आइटम्स की पोजीशन भी आप अप एंड डाउन कर सकते हैं इजीली यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप। जैसे कि आप जो भी पोजीशन पर अपना रखना चाहते हैं अपने आइटम को, आप उसको इजीली रख सकते हैं। सो ये हमारा आइटम था। अब इसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट लिस्ट इसमें से टाइप में से सिलेक्ट लिस्ट करा, उसके बाद आप आएंगे यहाँ पे लिस्ट ऑफ वैल्यूज में, जहाँ पे आपको एरर मार्क होता है। तो इट मीन्स कि आप जब तक आपको यहाँ पे एक मैसेज भी शो होता है कि वो आपका वन मैसेज है, आपको यहाँ से सिलेक्ट आपको करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे आपको चार कंडीशन देते हैं, शेयर कंपोनेंट, एसक्यूएल क्वेरी, स्टैटिक वैल्यू और पीएल एसक्यूएल फंक्शन के थ्रू आप अपने लिस्ट ऑफ वैल्यूज क्रिएट कर सकते हैं सिलेक्ट। बट अभी हम क्या करेंगे, बेसिक स्टैटिक वैल्यूज का सबसे पहले यूज करते हैं, देन हम एसक्यूएल क्वेरी का करेंगे आने वाली वीडियोज में, और शेयर कंपोनेंट का भी करेंगे हम आने वाली वीडियोस में। हम इसका इस तरीके से सिलेक्ट लिस्ट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टैटिक वीडियोस के थ्रू करते हैं स्टैटिक वैल्यूज में। जैसे कि ये तो हो गया किस तरीके से क्रिएट करता है। अब इसका, अब जब भी आप सिलेक्ट लिस्ट क्रिएट करते हैं तो आपको स्टैटिक वैल्यू बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले रिटर्न। इट मीन्स आप फ्रंट एंड पे क्या दिखाना चाहते हैं, डिस्प्ले पे क्या डेटा दिखाना चाहते हैं और रिटर्न क्या करवाना चाहते हैं, इस तरीके से डिस्प्ले और रिटर्न। तो आपको यहाँ पे उसके बाद आपको क्या करना होता है, सिलेक्ट लिस्ट में डिस्प्ले एक्स्ट्रा वैल्यूज और डिस्प्ले नल वैल्यूज। यहाँ आपको क्या करना होता है, डिस्प्ले एक्स्ट्रा वैल्यूज को क्या करना होता है, नो करना होता है। और यहाँ पे जो भी आप फ्रंट एंड पे जो हमने सिलेक्ट लिस्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट जो आपको लिखा आता है शो करता है, वो किस तरीके से हम डालते हैं। तो यहाँ पे क्या डालेंगे हम, नल डिस्प्ले वैल्यूज में क्या डालेंगे, सिलेक्ट जो भी हमने यस कर रखा है, तो ये आपको शो होता है जिस तरीके से हमने अपने इस आइटम के अंदर प्रोवाइड। आपको आप देखेंगे यहाँ पे सिलेक्ट लिस्ट में हमने क्या रखा है, स्टैटिक में वन एंड टू डिस्प्ले और रिटर्न करवा रखा है, डिस्प्ले एक्स्ट्रा वैल्यूज में नो, डिस्प्ले नल वैल्यूज में यस और नल डिस्प्ले वैल्यूज में सिलेक्ट। अब हम आते हैं अपने डायनेमिक एक्शन, हमारा फर्स्ट डायनेमिक एक्शन आता है सिलेक्ट। जब भी आप करते हो सिलेक्ट, फर्स्ट आपका आइटम आए, इवेंट आपका सिलेक्ट, सिलेक्शन टाइप ना आपका आइटम, आइटम्स आपका क्या है जो कि आपकी सिलेक्ट लिस्ट है, देन क्लाइंट साइड वैल्यूएशन। जब आइटम में वैल्यूज नल है तो हमने क्या कर रखा, इस वाली आइटम के अंदर जब भी वैल्यूज नल होगी तो क्या होगा, इसका ट्रू एक्शन पे आपको क्या इफेक्ट डालेगा, कौन सा आइटम पे, ये हाइड कर देगा एक्शन अपना कौन सा आइटम्स पे, इन दोनों आइटम्स पे, फर्स्ट आइटम और सेकेंड आइटम। जैसे कि आप देखते हैं कि जैसे ही हम रन करते हैं अपने एप्लीकेशन को, तो आपको स्क्रीन पे कोई भी आइटम शो नहीं होता, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, हमारे आइटम्स में कोई भी वैल्यू नहीं होती है। ये हमारा जो अभी हमने नया
आइटम क्रिएट किया है वो आपको डिस्प्ले हो रहा है। देन ये तो हो गई बात हमारी फर्स्ट डायनेमिक एक्शन की। देन हम बात करते हैं सेकंड डायनेमिक एक्शन की, वो हमने क्या किस तरीके से जो आपको आइटम शो हो रहे हैं किस बेसिस पे शो हो रहे हैं। देन चेंज आइटम आपका इवेंट हो गया कि इवेंट चेंज हो रहा है, इट मीन्स आइटम सिलेक्ट लिस्ट के अंदर वैल्यू चेंज हो रही है, इट मीन्स इवेंट चेंज हो रहा है आपका। सिलेक्शन चाहिए आपके क्या आइटम्स आपने सिलेक्ट लिस्ट चूज करा। देन आपका था क्लाइंट साइड कंडीशन, क्लाइंट साइड आप कंडीशन में आपने क्या देखा आइटम इक्वल टू वैल्यू, इट मीन्स आइटम आपका क्या P1 सिलेक्ट लिस्ट इसको, और उसमें जब भी वैल्यू 1 आएगी तो आपका क्या शो होएगा ये वाला आइटम आपका जो फर्स्ट आइटम है वो शो होगा और जो सेकंड आइटम है आपका वो हाइड होगा। एक्शन में हमने शो और हाइड कंडीशन दे रखी है। देन आपका आता है थर्ड, अब इसको हम रन करवाते हैं फर्स्ट और इसको दिखाते हैं आपको कि जैसे ही आप सिलेक्ट लिस्ट में 1 शो करते हैं तो आपको फर्स्ट आइटम आपका शो हो जाता है। देन इसी तरीके से आपका जो थर्ड डायनेमिक एक्शन है उसमें हमने चेंज इवन पे क्या लगा रखा है क्लाइंट साइड कंडीशन पे, जब भी आइटम में वैल्यू 2 आपको मिलेगी तो क्या करेगा ये शो कर देगा कौन साइड आइटम्स को शो कर देगा फर्स्ट और सेकंड को। देन सेव रन, अब आप देखेंगे जैसे आप 1 सिलेक्ट करते हो तो 1 आइटम, 2 सिलेक्ट करते हो तो 2 आइटम। सो दोस्तों ये थी हमारी आज की हाइड एंड शो आइटम्स की डायनेमिक एक्शन की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।